बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्वीट पटाटो, रोस्टेड स्वीट पटाटो लेकर आई हूँ शकरकंदी। तो आज का सीज़न है तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी तरह ही फॉलो करेंगे। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं। ये मैंने ये लिए हुए हैं शकरकंदी, इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। आप भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, इसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह हो वो सारे निकल जाए। अब इसको मैंने धो लिया है। अब स्टार्ट करते हैं आगे के इंग्रेडिएंट्स। व्यूअर्स, अब इसके ऊपर हम ये ऑयल अच्छे तरीके से लगा लेंगे। सब में इसी तरीके से आपने लगा लेना, पलट कर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। और इसमें हम कोयले का धुआं भी देंगे तो ये बिल्कुल बाहर जैसा ही टेस्ट ही आएगा। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम एक पैन में डाल देते हैं। अब इसको हम बिल्कुल अभी तेज़ आंच करेंगे हम, उसके बाद जब इसमें स्टीम आ जाए तो फिर हम आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे और 40 मिनट तक ये हमारे पक जाएंगे। तो अब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसको अब हम कवर कर देंगे। आँच अब धीमी कर दूंगी मैं, क्योंकि इसमें स्टीम आ चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये एक साइड से पक चुके हैं। अब एक साइड पलट लेंगे, फिर इसको इसी तरीके से कवर करके हम सारे पटाटो को रख देंगे। साइड हम पलट देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छे तरीके से हर तरफ से कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने एक कटोरी में कोयला जला के डाला है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अब इसको हम कवर कर देंगे। अब इसमें से हम ये कोयला निकाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, शक्ल कितनी प्यारी आई है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें आप नमक मिर्च लगा कर खाएं। ये देखिए व्यूअर्स, कितने मज़े की, कितनी अच्छी बनी हुई है। इसको हम कट करके आपको दिखा देते हैं। पानी डालकर आप बिल्कुल, आपने नहीं इसको ये करना बॉईल करना, क्योंकि उसकी मिठास ख़त्म हो जाती है। आप ये दम पर ही, स्टीम पर ही आपने बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आप चाट मसाला डालकर खाएंगे। ये देखें, ये इसमें मैं चाट मसाला, नमक ये डालकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिश बहुत पसंद आई होगी। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त है, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपना को ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।